उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही अपराध नियंत्रण पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है, परंतु उनके प्रयास फेल नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जनपद जलौन उराई शहर का है, जहां पर की एक माह पूर्व एक महिला 7 बजे मॉर्निंग वॉक करते समय उसके लटेरे ने चैन छीन ली थी, तथा जिस संबंध में से उन्हें उराई कोतवाली के अज्ञात लोगों के खिलाफ चैन छीनने का मुकदमा पंजीकृत करवाया है। और इसी के बाद में से मुकदमे चैन सेंज के उराई कोतवाली में से जीते गए हैं। महिलाओं के साथ ही दिन दिहाड़े चैन सेंजिंग घटना और पुलिस के बड़ी सफलता चुनौती बनी हुई है। वही पर जिसके चलते पुलिस अधीक्षक जनलौर ने उराई पुलिस के लिए वह तीनों महिलाओं के लिए वह साथ ही चैन सेंजिंग की घटनाओं पर वह कड़ी नजर रखने का वह तथा मुखबरी सूचना पर वह कोतवाली पुलिस वह जिले के सवाट सर्वलाइन टीम पूरी तरह से घटना को खोलने के लिए लगी हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर उरई के नेतृत्व में हमारी स्वाट सर्विलांस और कोतवाली उरई की पुलिस को 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। ये चारों अभियुक्त एक तो सुनार है, 3 शातिर किस्म के लुटेरे हैं और उन लोग चेन लूट करके इनको बेच देते थे। ये चारों को आज गिरफ्तार किया गया है। 2 कट्टा बरामद हुआ है, 2 चाकू, 2 चेन बरामद हुई है, 3 मोबाइल फोन इनके पास से और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूरा गैंग पकड़ गया, कुछ लोग फरार भी हैं। अभी एक व्यक्ति के बारे में पता किया जा रहा है, वो अज्ञात है। अभी टीम को कुछ इनाम दिया गया? हाँ, टीम को 5,000 रुपये इनाम घोषणा किया गया। पकड़े गए बदमाशों सर, कोई पूर्व में भी पकड़ा जा चुका है? नहीं, इसके पहले इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब ये नए सितारे हैं, अभी ये सीख रहे थे। ये अपना काम 8वें महीने से शुरू किया और 10वें महीने में ये पकड़ गया। सर गैंग लीडर कौन है इनका? अब गैंग लीडर तो इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि इमरान ही है। तो इसमें कोई स्टूडेंट भी है जो पढ़ने वाले हैं? अब ये पता किया जा रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन